नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार जी के गुरु में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। इन लोक देवताओं में हमने पहले देखा पंचपीर। पंचपीर पांच मुख्य देवता, पंचपीर ऋग देखी थी हमने इनकी, पारो, महंगो, पाबूजी, रामदेव जी, मेहा जी, हणबू जी, गोगा जी। ये पंचपीर, पाबूजी, रामदेव जी, मेहा जी, हणबू जी, गोगा जी। कल जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पाबूजी और रामदेव जी पढ़ लिए, आज पढ़ेंगे मेहा जी, हणबू जी और गोगा जी। पहले देखते हैं गोगा जी। तो देखो ये है आपके गोगा जी। गोगा जी, गोगा जी के बारे में कहावत है, गांव गांव में खेजड़ी, अर गांव गांव में गोगो। गांव गांव में खेजड़ी, अर गांव गांव में गोगो। अर्थात गांव में गोगा जी का जो स्थान है प्राय खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी को जाहर पीर की संज्ञा दी गई। जाहर पीर अर्थात ये लोक देवता जो गोगा जी हैं, ये भी मुस्लिम धर्म में पूजे जाते हैं। रामदेव जी मुस्लिम धर्म में रामसपीर के रूप में पूजे जाते हैं, गोगा जी मुस्लिम धर्म में जाहर पीर के रूप में पूजे जाते हैं। जब गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करते हैं तो उस युद्ध में गोगा जी ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का परिचय दिया। तब गजनवी ने गोगा जी को कहा कि ये तो साक्षात्कार जाहर पीर है। अर्थात मुस्लिम धर्म में एक योद्धा को जाहर पीर कहा जाता है, तो गजनवी ने जाहर पीर की संज्ञा दी थी। तो गोगा जी और रामदेव जी दोनों लोक देवता मुस्लिम धर्म में भी पूजे जाते हैं। अब बात करते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जन्म लगभग 10वीं सदी में ददरेवा चूरू में हुआ। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। चौहान वंश के थे गोगा जी। पिता थे इनके जेवर सिंह, माता बाछल दे, पत्नी केलम दे, पुत्र केसरिया कुंवर जी। गुरु थे गोगा जी के गोरखनाथ, और घोड़ी थी इनकी नीली घोड़ी। ध्यान रखना, गोगा जी का जन्म 10वीं सदी में ददरेवा चूरू, पिता जेवर सिंह, माता बाछल दे, पत्नी केलम दे। केलम दे कोड़ुमंड की राजकुमारी थी। जब गोगा जी का विवाह तय हुआ था कोड़ुमंड की राजकुमारी केलमदे से, तो विवाह से पहले केलमदे को सर्पदंश हो गया। तो ऐसे में गोगा जी ने ऐसे मंत्र पढ़े कि सर्प खुद आकर के जलते हुए या खोलते हुए तेल की कढ़ाई में मरने को या आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। उसी समय स्वयं नाग देवता प्रकट हुए और नाग देवता ने केलमदे से जहर निकाला और गोगा जी को सर्पों के देवता होने का वरदान भी दिया। अतः गोगा जी को सर्पों का देवता भी कहा जाता है, सर्पों का देवता भी कहा जाता है। पुत्र केसरिया कुंवर जी, गुरु गोरखनाथ। कहा जाता है गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ था और गोगा जी की घोड़ी थी नीली घोड़ी। फिर हम बात करते हैं गोगा जी के बारे में कि गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई बाचल की एक बहन थी काचल, उस काचल के पुत्र थे। तो मौसेरे भाई हुए गोगा जी के अर्जन और सुरजन। अर्जन और सुरजन दो मौसेरी भाई थे। ये अर्जन और सुरजन जमीन के जो मैटर था, जमीन को लेकर के कोई विवाद था, उस जमीन के विवाद में गोगा जी से युद्ध किया इन्होंने। गोगा जी
जमीन के मैटर को लेकर के युद्ध हुआ, अर्जुन सुर्जन एक तरफ, गोगा जी अकेले, और इस युद्ध में अर्जुन सुर्जन ने मुस्लिमों की सहायता ली और इसी युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में युद्ध के दौरान गोगा जी का सिर ददरेवा में गिरा, जो स्थान शीर्ष मेडी या सिद्ध मेडी के नाम से जाना जाता है। युद्ध के दौरान गोगा जी का सिर ददरेवा चुरू में गिरा, जो स्थान शीर्ष मेडी या सिद्ध मेडी के नाम से है, तथा धड़ गिरा गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, ये स्थान धुरमेडी कहलाया। तो देखो, अर्जुन सर्जन से युद्ध किया गोगा जी ने और वीरगति को प्राप्त हुई। इस युद्ध के दौरान सिर ददरेवा में गिरा, जो स्थान शीर्ष मेडी या सिद्ध मेडी, तो शीर्ष मेडी या सिद्ध मेडी कहां पर है, ददरेवा में, और धड़ है वो गोगा मेडी में गिरा, ये स्थान कहलाया धुरमेडी। गोगा मेडी में ही गोगा जी की समाधि स्थित है, गोगा मेडी में ही गोगा जी की समाधि स्थित है और इस समाधि पर बिस्मिल्ला अंकित है। राजस्थान के वो लोक देवता जिसकी समाधि पर बिस्मिल्ला अंकित है, अर्थात इनके मुस्लिम धर्म में पूजे जाने का प्रतीक बिस्मिल्ला का अर्थ है, बिस्मिल्ला का अर्थ है कि इनके मुस्लिम धर्म में पूजे जाने का प्रतीक। तो राजस्थान के वे लोक देवता जिनकी समाधि पर बिस्मिल्ला अंकित है, तो गोगा जी है। गोगा मेडी में ही इनका जो मुख्य मंदिर है, मेडी कहेंगे, और इस मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने इस गोगा मेडी में जो मंदिर है, मेडी है, उसका निर्माण करवाया था मकबरे नुमा आकृति में, मकबरे नुमा आकृति में इस मेडी का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक को आप देखोगे तो ऐसा शासक था, मुस्लिम शासक, जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन गोगा जी के मंदिर का ये निर्माण करवा रहा है। तो गोगा मेडी में जो मेडी है, मुख्य मंदिर है, उसकी आकृति मकबरे नुमा है और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जबकि वर्तमान स्वरूप, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। इसके अलावा हम बात करें, गोगा जी का प्रथम स्थान माना जाता है ददरेवा, दूसरा स्थान गोगा मेडी, तीसरा स्थान गोगा जी का, तीसरा स्थान गोगा जी का, तीसरा स्थान है गोगा जी की ओल्डी जो साचोर में है। गोगा जी का ददरेवा और गोगा मेडी के अलावा गोगा जी का तीसरा स्थान है गोगा जी की ओल्डी जो साचोर जालोर में स्थित है। फिर बात करें गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला लगता है प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भादवा का महीना, कृष्ण पक्ष और उसकी नवमी को, जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन, जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन तो गोगा जी का मेला लगता है प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, और ये मेला कहां लगता है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है गोगा नवमी को। गोगा नवमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी आती है। इसके अलावा हम बात करें गोगा जी के बारे में और क्वेश्चन पूछे, तो जैसे राजस्थान में मानसून की पहली बारिश होती है, राजस्थान में मानसून की पहली बारिश होती है, तो उस बारिश के साथ ही जब किसान अपने खेत में हल चलाने के लिए जाता है, तो नौ गांठों वाली राखड़ी, जिसे कहेंगे गोगा राखड़ी, ये एक रक्षा सूत्र है। तो जब राजस्थान में मानसून की पहली बारिश होती है, तो उस पहली बारिश के बाद किसान हल लेकर अपने खेत में जाता है, तो किसान जब हल चलाएगा तो उससे पहले नौ गांठों वाली गोगा राखड़ी, नौ एक धागा होता है, उसके नौ गांठ बांध करके हल और हाड़ी दोनों को बांधने की परंपरा है। हल और हाड़ी, हाड़ी जो किसान है, हल चलाने वाला, दोनों को बांधने की परंपरा है नौ गांठों वाली गोगा
राखड़ी, इसे गोगा राखड़ी कहेंगे, एक रक्षा सूत्र है। अर्थात किसानों को जो जहरीले जानवर है इनसे बचाने के लिए एक रक्षा सूत्र माना गया है गोगा राखड़ी। जैसे हम बात करते हैं मानसून की पहली बारिश, तो मानसून आता है, मानसून की जो बारिश आती है उसी समय तो किसान खेती करने के लिए जाता है, उसी समय जो जहरीले जीव है, जहरीले जानवर अपने बिलों में रहते हैं, तो वो पानी अंदर जाता है और वो बिल से बाहर निकलते, तो वो भी बाहर निकल रहे हैं जहरीले जानवर, और उसी समय किसान खेती करने जाएगा, हल चलाने ले जाएगा, तो ये उस जहरीले जानवरों से बचाने के लिए गोगा राखड़ी बांधी जाती है, हल और हाई दोनों को बांधने की परंपरा है। इसके अलावा बात करें गांव में जब विवाह होता है तो विवाह के बाद जो तोरण होता है, तोरण उस तोरण को गोगा जी के थान पर चढ़ाने की परंपरा है। तोरण लड़की का विवाह होता है तो उस समय तोरण होता है, और तोरण को, इस तोरण को लकड़ी का बना होता है ये, तो इस तोरण को गोगा जी के थान पर चढ़ाने की परंपरा है। तोरण की बात करें, तोरण में एक क्वेश्चन आता है, तोरण शब्दावली है, तोरण क्या है, तो तोरण है शक्ति प्रतीक परीक्षण, शक्ति प्रतीक परीक्षण, तो तोरण ध्यान रखना, तोरण कहां चढ़ाया जाता है, गोगा जी के थान पर। यह है आपके गोगा जी, दोबारा देखो गोगा जी को, पंच पीरों में शामिल है गोगा जी। कहावत है गांव गांव में खेजड़ी, अर गांव गांव में गोगो। गोगा जी को जाहर पीर कहा गया, गजनवी द्वारा कहा गया, जाहर पीर मुस्लिम धर्म में एक योद्धा को कहा जाता है। गोगा जी का जन्म चौहान वंश में हुआ, चौहान वंश के थे ये राजपूत जाति से, 10वीं सदी में ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। पिता जेवर सिंह, माता बाछल दे, पत्नी केलम दे, केलम दे कोड़ुमंड की राजकुमारी थी ध्यान रखना, पुत्र केसरिया कुंवर जी, गुरु गोरखनाथ, घोड़ी नीली घोड़ी। फिर बात करते हैं हम मोशेरे भाई अर्जुन सज्जन से युद्ध करते हैं गोगा जी और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। युद्ध के दौरान सिर ददरेवा में गिरा, दो स्थान शीर्ष मेडी या सिद्ध मेडी कहलाया, धड़ गोगा मेडी में गिरा, धूड़ मेडी कहलाया। फिर बात करें इनके जो पहला और दूसरा स्थान है, इसके अलावा तीसरा स्थान गोगा जी की ओल्डी साचोर जालोर में है, और गोगा मेडी में ही इनकी समाधि है, समाधि पर बिस्मिल्ला अंकित है, इनके मुस्लिम धर्म में पूजे जाने का प्रतीक। जो मेडी है मुख्य मंदिर है गोगा जी का गोगा मेडी में, वो मकबरे नुमा कृति में बना है, और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जबकि वर्तमान मंदिर का वर्तमान स्वरूप तैयार किया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। मेला गोगा मेडी में ही लगता है, गोगा नवमी को, कब आती है गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। मानसून की पहली बारिश के साथ जब किसान खेत में जाता है हल चलाने के लिए, तो हल और हाली दोनों को गोगा राखड़ी बांधने की परंपरा है। गोगा राखड़ी नौ गांठों से बनी होती है, एक धागा होता है उसके नौ गांठ दी जाती है, ये रक्षा सूत्र है एक, और विवाह के बाद तोरण को कहां चढ़ाया जाता है, गोगा जी के थान पर चढ़ाया जाता है। ये थे आपके गोगा जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब है आपके मेहा जी, नेक्स्ट लोग देवता है मेहा जी, मेहा जी या इन्हें कहेंगे मांगड़िया जी, मेहा जी या मांगड़िया जी, मेहा जी या मांगड़िया जी। देखो मेहा जी का जन्म तो हुआ था पंवार क्षत्रिय वंश में, पंवार एक क्षत्रिय वंश था, पंवार क्षत्रिय वंश में, लेकिन इनका लालन पालन मांगड़िया गोत्र में हुआ, इनका ननिहाल था, मेहा जी का ननियाल मांगड़िया गोत्र का था, तो मांगड़िया गोत्र में इनका लालन पालन हुआ, इसलिए ये मांगड़िया जी भी कहलाए। प्रमुख स्थान इनका, मेहा जी का प्रमुख स्थान बापिनी ग्राम, और बापिनी ग्राम पड़ता है जोधपुर में, प्रमुख स्थान बापिनी ग्राम जोधपुर में। फिर बात करते हैं इन्होंने जैसलमेर के भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासक राणंग देव के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, बताया जाता है जैसलमेर के भाटी शासक राणंग देव के विरुद्ध
लड़ते हुए मेहाजी वीरगति को प्राप्त हुए। इनका घोड़ा था और घोड़े का नाम है किरड़े काबरा। मेहाजी का घोड़ा था, घोड़ा का नाम है किरड़े काबरा। प्रमुख स्थान बापिनी ग्राम जोधपुर। और बताया जाता है इनके बारे में कि इनके जो मांगलिया राजपूत हैं, मांगलिया राजपूत इनकी पूजा करते हैं, मांगलिया राजपूत इनकी पूजा करते हैं, इनको इष्ट मानते हैं। फिर बात करें हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी ये रामदेव जी के मोशेरे भाई थे, रामदेव जी के मोशेरे भाई थे। इनका जन्म माना जाता है बुंडेल, और बुंडेल पड़ता है नागौर। ये राव जोधा के समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन थे, मारवाड़ के शासक थे इसमें राव जोधा। और इस समय लगभग 15वीं सदी की बात है, इस समय मारवाड़ मेवाड़ के अधीन था। मारवाड़ मेवाड़ के अधीन था। तो राव जोधा मेवाड़ से मारवाड़ को आजाद कराना चाहते थे, स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसके लिए हड़बू जी ने राव जोधा को तलवार व कटार प्रदान की तथा आशीर्वाद दिया कि आप है मारवाड़ को स्वतंत्र कराओ। ये युद्ध हुआ मारवाड़ मेवाड़, और मारवाड़ विजय हुआ था, मारवाड़ स्वतंत्र हुआ, मंडोर विजय हुआ, मंडोर को जीत लिया राव जोधा ने। तो इस विजय के बाद, इस विजय की खुशी में, इस विजय के उपलक्ष्य में राव जोधा ने हड़बू जी को बेंटी जागीर प्रदान की। बेंटी जागीर प्रदान की, बेंटी पड़ता है जोधपुर में, और ये बेंटी ही हड़बू जी का प्रमुख स्थान माना जाता है। बेंटी ही हड़बू जी का प्रमुख स्थान माना जाता है। हड़बू जी बैलगाड़ी रखते थे, बैलगाड़ी से ये असहाय गायों के लिए घास लाते थे, उनमें घास डालते थे। और आज प्रतीक के रूप में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, और जो इनके पिताजी थे वो थे साकला परिवार से संबंधित थे। कि भाई मेहाजी साकला बताया जाता है, साकला परिवार के लोग इन्हें पूछते हैं, मुख्यतः साकला राजपूत इन्हें पूछते हैं। तो देखो हड़बू जी पंचवीरों में शामिल है। जन्म बुंडेल नागौर, ये राव जोधा के समकालीन थे। उस समय मारवाड़ मेवाड़ के अधीन था। मारवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए हड़बू जी ने राव जोधा को तलवार कटार प्रदान की तथा आशीर्वाद दिया। राव जोधा जीत गए, मारवाड़ को जीत लिया, मंडोर को जीत लिया। इस विजय की खुशी में राव जोधा ने हड़बू जी को बेंटी जागीर प्रदान की, और बेंटी जो जागीर है वो जोधपुर में है। बेंटी ही हड़बू जी का प्रमुख स्थान है। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। मांगलिया जी मेहाजी प्रमुख स्थान बापिनी ग्राम जोधपुर में। इन्होंने जैसलमेर के भाटी शासक राणंग देव के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। घोड़ा इनका किरण काबरा, और ये मांगलिया राजपूत में पूजे जाते हैं। ये थे दोस्तों आपके पंचवीर। पहले पार्ट में हमने रामदेव जी और बाबू जी पढ़ा, दूसरा पार्ट है आपका इसमें गोगा जी हो गए, हड्डू जी हो गए, मेहाजी हो गए, पंचपीर समाप्त हो गए। अब पढ़ेंगे जैसे तेजा जी, देवनारायण जी, मल्लिनाथ जी, तल्लीनाथ जी, भोलिया जी, केसरिया कुंवर जी, बहुत से लोग देवता हैं उनको। नेक्स्ट जो वीडियो होगा अन्य जो लोग देवताओं के लिए होगा। तो ये था अपना आज का टॉपिक, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।